देवताओं की प्रार्थना के कारण परम भगवान प्रकट हुए रामचंद्र जी के रूप में, और उनके साथ उनके तीन भाई भी प्रकट हुए। कौन? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चार के चार क्या हैं? विष्णु तत्व। परम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रकट हुए श्वेत युग में, और उसके पश्चात परम भगवान प्रकट हुए कृष्ण भगवान के रूप में, कौन से युग में? और फिर यही भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में कलयुग में। तो भगवान राम प्रकट हुए थे अयोध्या में, और जैसे पापा जी तत्व में कहते हैं, ये सब है विष्णु तत्व। और पापा जी ब्रह्म संहिता के बड़े प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। परम भगवान जो है वो सदा अद्वैत होते हैं, अच्युत, कोई गलती नहीं करते। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान के अवतारों के विषय में हमें शास्त्र में ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभा जी कहते हैं, हम भगवान राम को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की थी। और भगवान कृष्ण को प्रकट स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हम गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, कौन है प्रमाणिक अवतार और कौन है ढोंगी अवतार। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म छा में दिव्यम, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। वो जो व्यक्ति वो समझ जाए वो जीवन को सफल बना सकता है, मेरे धाम लौट सकता है। भगवान राम थे किनके पुत्र? महाराज दशरथ के। और महाराज दशरथ की तीन प्रसिद्ध पत्नियां थी, वैसे तो कहा जाता है कि 350 पत्नियां थी, पर तीन उनमें सबसे प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था कौशल्या, कई और सुमित्रा। तो भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र, भरत थे कैकेयी के पुत्र, और शत्रुघ्न और भरत थे ने, और लक्ष्मण थे सुमित्र के ट्विन जोड़ी। भगवान राम अत्यंत प्रिय थे उनके पिता के, और सारे अयोध्या के भक्त की प्रजा को बड़ा आदर था भगवान राम के प्रति। और महाराज दशरथ, उनकी ये इच्छा थी कि अब राज तिलक या राज गद्दी मेरे बड़े बेटे को दिए जाए, इनका नाम था। और पूरी प्रजा बड़े उत्साह के साथ इसका इंतजार कर रही थी। कैकेयी, जिसने एक समय दशरथ का को कठिन स्थिति में सहयोग दिया था, महाराज दशरथ उनके आभारी थे। उन्होंने उनसे पूछा, मैं इस सेवा के बदले में क्या कर सकता हूँ तुम्हारे? कैकेयी राजनीतिक कार्य में होशियार थी, उसने कहा कि ठीक समय पर मैं मांगूंगी। तो जब पूरे अयोध्या में पूरी सजावट थी और भगवान राम को राजगद्दी में बिठाने लगे थे अगले दिन, एक दिन पहले कैकेयी अपने पति के पास गई और कहने लगी, आपको याद है आपने मुझे वादा किया था यहाँ कि आप आपके मेरे दो वरों का पालन करोगे? तो उन दिन हमें लोगों की सच्चाई का स्टैंडर्ड ऊंचा था। दशरथ ने कहा, हाँ याद है, बोलो क्या चाहिए? तो कैकेयी ने कहा, पहला निवेदन है आप भगवान राम को वनवास में भेजो, एक दो दिन के लिए नहीं, 14 सालों के लिए। प्रभुपाद जी रामनवमी का लेक्चर दे रहे थे हवाई में 1969 में, और प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा, कैकेयी बहुत होशियार थी, उसने सोचा कि अगर राम केवल कुछ सालों के लिए जाएगा तो बस लौट कर मेरे बेटे को हटा सकता है। उन्होंने कहा 14 सालों के लिए, और इसके बदले
मेरे बेटे भारत को राजगद्दी दी जाए। जब दशरथ ने सुना अत्यंत दुखी हुए, शोक में आ गए। उन्होंने कहा यह आदेश का पालन कैसे करूं, और कहीं ने कहा कि हमने वादा किया था, और जब भगवान राम को पता लगा कि ये है उनकी सौतेली माँ की इच्छा, भगवान राम ने कहा नहीं मैं जरूर जाऊंगा वनवास में 14 सालों के पिता के कार्य को सरल बना दिया। प्रास मुनि कहते हैं भगवान शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ। वो प्रसिद्ध श्लोक है ऐश्वर्य समग्रिया ज्ञान विराग्या वचाए वह सन्ना भागा है। भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिनमें 6 गुण हो एक साथ। ऐश्वर्य सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे बलवीर और त्यागी। यहां भगवान राम चाहते थे पिता से कह सकते थे पिता ये कैसे संभव है, सारे अयोध्यावासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राजगद्दी में कल बैठूंगा। उसने ऐसे नहीं कहा। जिस प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जब उसको शरीर त्यागना होता है तो उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। वैसे तो जिस व्यक्ति ने जीवन बिताया है होते कार्यों में उनको चिंता रहती है भविष्य में क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्या बीतेगी। पर जिस व्यक्ति ने जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में उसके हृदय में कोई भय नहीं रहता। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में हम सब में ये त्याग की भावना होनी चाहिए। कई बार किसी को कुछ सेवा दो तो कहते हैं ओ इतनी कठिन सेवा हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए असंभव है। भगवान ने रामानंदपुरी को आदेश दिया मेरे लिए चंदन लाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रामानंदपुरी ने 1000 मील की यात्रा की पैदल, मुसलमान चुंगी वाले थे, डाकों का भय था, और रामानंदपुरी ने यह नहीं कहा मैं कैसे इतनी कठिन स्थिति में आपके लिए चंदन लाऊं। तुरंत तैयार हो गए 1500 मील की यात्रा पैदल करने के लिए। तो ये होना चाहिए भक्तों का भाव। तो भगवान राम को जब इतना कठिन आदेश दिया गया वो तुरंत तैयार हो गए इसका पालन करने के लिए। भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीला भी प्रकट की थी, जैसे कि यह शिव जी का जो धनुष था बड़ा भारी धनुष जिसे उठाने के लिए 300 भक्तों की आवश्यकता थी, भगवान राम ने उस धनुष को इतनी आसानी से तोड़ा जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है, बड़े आसानी से। तो जब राम जी घर छोड़कर जंगल की ओर जा रहे थे उनके भाई लक्ष्मण ने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। लक्ष्मण के हृदय में सदा एक ही भाव था, क्या भाव, राम की सेवा। ये भाव इतना गहरा था कि सीता देवी ने विवाह के पश्चात अनुभव किया मेरे कोई सेवा है ही नहीं, जो सेवा मैं करना चाहती हूँ लक्ष्मण पहले कर देता है, तो मैं क्या सेवा करूँ। कि लक्ष्मण के मन में सदा यही भाव था, क्या, भाई की सेवा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप जा रहे हो तो हमें भी जाना पड़ेगा साथ। उन्होंने ये नहीं सोचा जंगल में जाएंगे कांटे होंगे पत्थर होंगे रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, हम तो कहते हैं पंखा चाहिए एयर कंडीशनर चाहिए नहीं तो रहना मुश्किल होगा। उन्होंने ये नहीं कहा हीटर चाहिए। तो लक्ष्मण और सीता ने क्या कहा, हमने भी साथ चलना है। तो ये सब गए 14 सालों के वनवास में, और जंगल में जैसे आप जानते हो सीता का किडनैप, सीता को रावण ने अपहरण किया था। तो कई बार लोग पूछते हैं सीता का अपहरण कैसे हुआ, वो सीता देवी तो लक्ष्मी जी हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु एक समय यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत की, और एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में बुलाया। ये जो ब्राह्मण था भगवान राम का उत्तम कोटि का भक्त था, दिन रात राम के की चिंता करते रहते थे। तो इस ब्राह्मण ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को आइए हमारे घर भोजन खाने के। महाप्रभु पहुंच गए उनके घर 12 बजे भोजन खाने के। महाप्रभु जब पहुंचे उनके घर में उन्होंने देखा कुछ तैयार है ही नहीं। तो महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा तुमने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया पर मैं देखता हूँ कि कुछ तैयार है ही नहीं, ये क्या बात है। तो ब्राह्मण ने कहा लक्ष्मण जब बाजार से चीजें वस्तुओं को लाएगा उसके पश्चात सीता भोजन बनाएंगे। तो लक्ष्मण लौटा नहीं है बाजार से सब चीजों को लेकर, पर मेरा जो मन है अत्यंत दुखी है और मैं चिंता में हूं, निराश हूं, बेचैन हूं। तो महाप्रभु ने पूछा क्यों तुम बेचैन क्यों हो, निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो? तुम तो राम जी के इतने बड़े उपासक हो, लेना राम जी की लीलाओं का स्मरण करते हो। तो फिर ब्राह्मण ने कहा इसलिए क्योंकि रावण ने कैसे सीता देवी का अपहरण कर लिया, उसमें शक्ल ताकत कहां से आई कि सीता देवी को छू दे। तो महाप्रभु ने कहा रावण ने जो सीता का अपहरण किया वो असली सीता नहीं थी, वो थी माया सीता। असली सीता को तुम भौतिक नेत्रों से देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात छोड़ो। तो फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। महाप्रभु ने कहा मेरे वचनों में विश्वास करो। फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। फिर महाप्रभु ने 3 बजे प्रसाद खाया और उसके पश्चात फिर उस ब्राह्मण ने भी खुशी से खाया जब उसे पता लगा कि असली सीता को रावण ने अपहरण नहीं किया था। तो भगवान राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने नियम के आधार पर हर कार्य किया और शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर, एग्जाम्पल आदर्श पुरुष थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श बेटे थे। तो जब राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ये जटायु उसको रावण ने तीर से मारा था, तो जीता राम ने उनके अंतिम संस्कार भी किए बेटे के रूप में। तो भगवान राम उनकी अनेक दिव्य लीलाएं हैं। जब उन्हें सूचना मिली रावण सीता को ले गया है श्रीलंका, भगवान राम ने क्या करना था, सागर के पार जाना था, 800 मील का फासला था। हनुमान है तो एक छलांग में पहुंच गए, अंजादा लगाओ हनुमान 800 मील की छलांग लगाई, उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अगर आप आज के वातावरण में किसी को कहोगे हनुमान जंप्ड 800 माइल्स इन वन लीप, वो कहेंगे माइथोलॉजी। ये जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो शास्त्रों की शिक्षा को क्या कहते हैं, माइथोलॉजी, मतलब कि ये सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो जब राम की इच्छा थी क्या कि सागर के पार जाए, सेतु बनाए, भगवान के से राम के सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी योग्यता थी, वो कौन थे, राम और लक्ष्मण। बाकी सब कौन थे, जो केवल पहाड़ की चोटियों को फेंक सकते थे, केवल उनमें यही योग्यता थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक है दिव्यम एक है भौतिक। जब उन्होंने पहाड़ की चोटियों को फेंका सागर में सेतु बनाने के लिए, अक्सर अगर आप दरिया में पानी में पत्थर भी फेंकोगे तो वो डूब जाएगा नहीं,
पर जब भगवान राम ने बड़े बड़े माउंटेन पीक्स पत्थर फेंके तो ये डूब गए? नहीं, वो तैर रहे थे। ये भगवान राम की एक और अद्भुत लीला। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड सो मेनी प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन आउटर स्पेस। भगवान की सृष्टि में लाखों लाखों प्लैनेट ग्रह हैं जो कि तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। तो युद्ध में किसकी विजय हुई? भगवान राम और लक्ष्मण की। जब भगवान राम जा रहे थे जंगल में तपस्या के लिए, उनके भाई भारत आए वहां जंगल में। हालांकि भारत की मांग की क्षति में बेटा राजगद्दी में बैठे, पर उनका इतना प्रेम था भाई के प्रति, वो जंगल में आए। आप घर चलिए, राजगद्दी आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। पर भगवान राम ने इनकार कर दिया। तो भारत, उनका इतना स्नेह था अयोध्या के भक्तों में, प्रजा में इतना स्नेह था भगवान राम के प्रति कि भारत ने अयोध्या के बजाय नंदग्राम को अपना राजधानी बनाया, नंदग्राम में। और भगवान के खड़ाव जूते ले आए थे, उसको बिठाया कहाँ? राजगद्दी में। और क्या खा रहे थे वो? पुलाव नहीं, जौ, बार्ली, जौ जो कि गाय के मूत्र में उबाल कर बनाते थे, खाते थे। और पहनने के लिए मुकुट राजा का, अच्छे वस्त्र नहीं, जो पेड़ों की झाल होती है उससे अपने शरीर को ढक रहे थे। देखो क्या क्या गुण में। तो 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम लौटे। रावण के 10 सिर थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण का क्या परिचय है, तो आप सब कहोगे असुर नंबर एक, नहीं। पर अगर ध्यान से देखा जाए, रावण भगवान के भक्त थे, ऊंचे कोटि के। जय विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार पहुंचे वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन लेने के लिए, 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़े आसानी के साथ। जब 7वें द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा, हे तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो महाराज को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा, तुम चौकीदार बने हो वैकुंठ धाम में, तुम हमारा उत्साह नहीं समझ पाते, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें भौतिक जगत में जाना जाए, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो भगवान ने जब सुना वे वार्तालाप हो रहा था महाराज उनके द्वार पर उनका, भगवान बाहर आ गए थे देखने के लिए क्या हो रहा है। जब कुमारराज ने देखा कि भगवान का इतना स्नेह था, ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, वो सोचने लगे हमने तो गलती कर दी, इनको श्राप देकर ये वापस ले लेना चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी क्षति तुम इन्हें श्राप दो। तो फिर जय विजय को ये छूट दी गई, आप 7 जन्म ले सकते हो भगवान के भक्त के रूप में, या 3 जन्म ले सकते हो भगवान के शत्रु के रूप में। तो बोलो क्या चाहिए, 7 जन्म भक्त के रूप में या 3 जन्म शत्रु के रूप में? तो इन असुरों ने कहा, हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें लंबा रास्ता नहीं चाहिए, हम तो भगवान के धाम जल्दी लौटना चाहते हैं। तुमने कहा हम 3 जन्म स्वीकार करते हैं शत्रु के रूप में, इसलिए वो प्रकट हुए थे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में। फिर प्रकट हुए रावण और कुंभकर्ण, और फिर प्रकट शिशुपाल नंदवक्र के रूप में। तो रावण के 10 सिर थे, और रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को
कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है। तो रावण का वध हुआ, भगवान ने श्रीलंका की जिम्मेदारी दी उनके भाई में मेरे। तो भगवान जब लौटे अयोध्या, महाराज भारत और उनके भाई नहीं और उनके मंत्री सब आए भगवान राम का स्वागत करने के लिए, और भगवान राम का शासन आरंभ हुआ। भगवान राम के शासन के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हालांकि वो त्रेता युग था, समाज की प्रजा इतनी सुखी थी कि ऐसे लग रहा था कि हम सतयुग में हैं। थे कौन से युग में, वो अनुभव क्या हो रहा था? तो इस विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस कलयुग में भी अगर हम हरि नाम को अपनाएं तो सतयुग का वातावरण आप अनुभव कर सकते। कले दशे निधि राजन, कले दशे निधि राजन कितना कृष्ण से मुक्त संघर्ष बड़ा मजा है। ये कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलयुग में, क्या है? तो भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सागर भरे हुए थे पानी के साथ, खेती में अन्न था, और एक और छूट थी लोगों को, वो मृत्यु के समय भी चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट दी जाए तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे, बैंकरप्सी। तो समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, नो ओल्ड एज, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई आदि देविक आदि बौद्धिक आध्यात्मिक चिंता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं था समाज में। प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी, और पूरी प्रजा वर्णाश्रम के आधार पर जी रही थी। समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और चार आश्रमों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। समाज की प्रजा अत्यंत सुखी थी। जो ब्राह्मण थे उस समय असली ब्राह्मण थे, नाम के ब्राह्मण नहीं। भगवान राम और सीता का त्याग देखो, भगवान राम ने अपने सारे गहने बांट दिए सारे ब्राह्मणों को, और सीता देवी जी ने भी नोज रिंग नथनी, एक नथनी को छोड़कर अपने सारे सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को, सब बांट दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार करके कहा, आपके चरण हमारे हृदय में है, आपने हर रूप से हमारी सुरक्षा की है, हमें गहने नहीं चाहिए। सारे गहने उन्होंने राम और सीता को वापस कर दिए। आज ये उम्मीद कर सकते हो आप ब्राह्मणों को गहना दोगे सोना दोगे और ब्राह्मण कहेंगे नहीं जी हमें नहीं चाहिए, आप ले लो वापस। और जब भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों से, मांगो कितनी जमीन चाहिए तुम्हें, ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दो जितना आवश्यक हो। अगर आज आप ब्राह्मणों को कहो मांगो कितनी जमीन चाहिए, सब कहेंगे हमें कनॉट प्लेस में चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एक ब्राह्मण था जो रोज भगवान राम की दर्शन का दर्शन लेकर भोजन खाता था। फिर एक समय भगवान राम एक महीने के लिए अयोध्या के बाहर गए थे। जब वो अयोध्या में लौटे एक महीने के बाद, लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण आपका दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं, एक महीने से ब्राह्मण भूखा है। भगवान राम ने क्या किया, उनकी अलमारी में उनकी मूर्ति थी जिसकी उपासना महाराज इक्ष्वाकु के समय से हो रही थी। तो भगवान राम पृथ्वी पर थे तो वो मूर्ति को अलमारी में रख दिया था। भगवान राम ने उस मूर्ति को उठाया और इस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं, तो तुम इस मूर्ति की उपासना करो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो मूर्ति है सीता राम लक्ष्मण हनुमान की,
उनमें और राम जी में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। खास करके जब मूर्तियों की उपासना शास्त्र की विधियों के अनुसार की जाती है, इस मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। राम के शासन के समय जो अयोध्या की सड़कें हैं उन्हें रोज धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ, परफ्यूम पानी। जो परफ्यूम आप खरीदते हो ना बाजार में, सुगंधित पानी। हाँ, भगवान अयोध्या की सड़कों को रोज सुगंधित जल से धोते थे और भगवान राम खुद सुपरवाइज देखते थे ये सेवा ठीक हो रही है कि नहीं। भगवान राम खुद सुपरवाइज करते थे अयोध्या की सड़कों की सफाई। आज ही उम्मीद कर सकते हो आप? नहीं। और कोई अयोध्या वासी किसी समय भी भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच सकता था। तो और श्रीमद् भगवत में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं की चर्चा करेगा, सुनेगा, तो उसके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप सब भक्तों का बहुत शुक्रिया। उत्साह से राम जी की लीलाओं का स्मरण करो, नाम का उच्चारण करो, इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। बोले सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.